द हंगामा जो कि मेरा पुराना चैनल था, मतलब वो भी हैक हो गया, उस पर बिटकॉइन वगैरह लाइव हो रखे थे। पवन सर को रात को ही फ़ोन किया था 1:30 बजे करीब, चाहे किसी के 3000 भी होंगे वो चैनल भी हैक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उसको भी दुख होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और देखो, आपको देखो दिखाता हूं एक चीज, देखो हो क्या रहा है। जो मैंने उसे प्रैंक किया था ना, उसके व्लॉग का थंबनेल बना रहा है ऋतिक से पूछ के राइट पे। ये रहा ऋतिक, कोई नहीं, क्योंकि हम लोग भाई सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों की इतनी प्रॉपर एडिटिंग आती नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो काफ़ी मेरे पास कुछ ना वीडियो ना मेरी भी आई है, आ चुकी होगी, मतलब अभी क्या मैं जब बना रहा हूँ तो अभी वीडियो आ चुकी है। तो उसमें मेरे पास मैसेजेस वगैरह आने लगे भी कौन सा पेज हैक हो गया ऐसा करके। तो हैक नहीं, मेरा पेज रेड हो गया था, एक फेसबुक पेज है जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि रेड का मतलब होता है कि उसकी रीच वगैरह खत्म हो जाती है और डॉलर वगैरह मतलब डिमोनेटाइज हो जाता है, पैसे बंद बंद हो जाते हैं। तो वो एक पेज था, वो जा चुका है। दूसरा अभी मतलब रात में क्या था कि थोड़ा सा मैं टेंशन लेता था और अपने कंटेंट को लेकर थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने बताया ना एक्सप्लोर करता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तो मैंने रात देखा और शायद आप लोगों ने भी अब तक देख लिया होगा द हंगामा जो कि मेरा पुराना चैनल था, मतलब अब मेरा नहीं है, तो वो भी हैक हो गया, उस पर बिटकॉइन वगैरह लाइव हो रखे थे। चलो मैंने कहा भाई बता देता हूँ, तो मैंने पवन सर को रात को ही फ़ोन किया था 1:30 बजे करीब, मैंने उनको बताया, तो उन्हें भी नहीं पता था ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में, और शायद जो भी होगा मैंने इससे बातचीत करी होगी। आप लोग भी जाकर सर्च मारोगे तो अब तो सुबह में क्या है वो चैनल उड़ गया, उसमें वीडियोज़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली ये तो गलत चीज़ है, किसी का भी होगा, छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो, चाहे किसी के 3000 भी होंगे वो चैनल भी हैक हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उसको भी दुख होगा। जो मेरा फर्ज था और जो मेरे को अगर लगता है कि भी जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगी स्टोरीज वगैरह में, या जो भी ट्विटर पर या जहाँ भी हम यूट्यूब इंडिया को यूट्यूब को टैग करके जो डालते हैं हर एक किसी के में, क्योंकि उनके में ना बिटकॉइन लाइव खेला जा रहा था, तो वो तो कन्फर्म था कि वो है क्या कहीं ना कहीं। बाकी अभी हमारी वीडियोज़ वगैरह चल रही हैं, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर बार मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता रहूँगा, नई नई चीज़ें लेके आऊँगा, लगा हुआ, और आप लोग सही सपोर्ट भी दे रहे हो, तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ब्लॉग वाले को, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगे। हम लोग सीख रहे हैं अभी लर्निंग फेज में, तो आपको भी दिख रहा होगा हम लोग थोड़ी एडिटिंग, आपको अगर कहीं कमी लगती है किसी चीज़ में तो, क्योंकि मेरी कुछ एडिटिंग ऋतिक करता है और कुछ एडिटिंग मैं खुद से भी करना सीख रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया अरुण भी कर रहा है, तो हम लोग बहुत देर से लगे हुए थे, हमसे एक थंबनेल बहुत देर में जाके बना कंप्यूटर में, तो ये अभी भी लगा हुआ काम में। और ये बोली थी जो मैंने टी शर्ट पहनी बहुत टाइट लग रही है, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी टी शर्ट है, मैंने कहा चलो इसे चेंज कर दो, बोलो चेंज कर दो, चेंज कर दो। ठीक लग रही है, ये बेचारा अभी तक लगा हुआ, भाई कब होगा तेरे, कब आएगा तेरा तब से लगा हुआ बेचारा, कोई नहीं, अब चलो नीचे चलते हैं थोड़ी देर में शूट करने के लिए। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपनी रणभूमि में शूट करने के लिए, तो फाइनली अरुण जिस पे मैरिज पे लगा हुआ, तो हो गया काम, हो गया ना वो आधा घंटा लगा मत को, आधे घंटे में थंबनेल बनाने में आधे घंटे वीडियो अपलोड हो जाती है। हम पैदल ही जाएंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे, बिकॉज पारिक जो है हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, 500-600 मीटर दूर है। ठीक है गाइस, तो हम लोग चल रहे हैं शूट करने के लिए। पिया मेरे से जिद कर रही थी कि मेरे को ऐसा मकान बनाना है, पता है मैंने ऐसी जगह से पढ़ना शुरू किया था, हाँ नर्सरी से पढ़ना शुरू किया था मैंने, फिर मैं फर्स्ट में सेकंड में ट्वेल्थ में, फिर मैं ट्वेल्थ तक गया पढ़ने। कंट्रोल कंट्रोल उदय, मेरे नर्सरी में हमारे गांव में क्या होता था, कच्ची एक और पक्की, पक्की एक मतलब कच्ची एक का मतलब है, मतलब दो साल पढ़ते रहे क्लास, अच्छा कच्ची एक फिर पक्की एक, मतलब एक तरीके से उसे मिले, जैसे इंस्पेक्टर होते सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर है। फिर सारी क्लास तो मैंने ऐसे ही पढ़ा, ठीक है तीन, मतलब फिर मैं गया थर्ड, मतलब तूने इतनी एक एक क्लास दो दो बार पढ़ी है तब भी ढंग से नहीं पढ़ पाया। तो अभी हुआ क्या, ये दोनों मिलकर मेरे पे कर रहे थे प्रैंक। अब देखो यार वो थोड़ी सी इमोशनल चीज़ है, तो वहाँ तो मैं कह नहीं सकता कि मेरे को कोई प्रैंक नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है हर कोई बंदा अंदर से इमोशनल होता है। बाकी ठीक है, पता नहीं आजकल हो क्या रहा है यार, ये वीडियोस चैनल इतने ज़्यादा दिक्कत हो रखी है प्रैंक्स में, वल्गैरिटी ये सब चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं, पर ठीक है कोई नहीं, हम लोगों ने फनी कंटेंट से ही पहले उठाया था, उसी चीज़ करे उसी में मेहनत में लगे हुए हैं, हम लोग देख भी रहे हैं। हमें एक शूट हुआ था, एक मतलब नॉर्मल प्रैंक हुआ, बड़ी मुश्किल से हुआ क्योंकि ना धूप बहुत है यहाँ पे, क्राउड मतलब ऐसा नहीं है, बच्चे टाइप के ज़्यादा थे या फिर जो अंकल टाइप के होते हैं ना बंदे, वो ज़्यादा बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया हैकिंग वगैरह तो बहुत चले, मेरा एक पेज रेड हो गया और THS भी जैसे मैंने बताया था वो भी हो गया, आप जाके सर्च करोगे अभी भी तो वहाँ कुछ भी पेज वेज कुछ शो ही नहीं हो रहा उसमें ना, शायद वो बिटकॉइन वगैरह जो खेलते हैं, तो उसके लिए अपने भैया चैनल को सब लोग संभाल के रखो, चाहे किसी का छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, दिक्कत होती है। बाकी मिलते फिर नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आपको लग रहा हो कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं वाकई में और आपको लगता है कि हाँ मेरे कंटेंट में कुछ ना कुछ दम है तो ही सपोर्ट करें, ऐसा नहीं मैं नहीं करके बिना देखे लाइक कर दो, अगर अच्छी लगती वीडियो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हो, और बाकी में अगर आप चाहते हो नए नए कंटेंट में और लेके आऊँ तो नीचे कमेंट करके बताइए,
वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नए कंटेंट के साथ, दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।